हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। तो चलिए चलते हैं। ये मैंने ले लिया है, चिकन मंगाया था 1 kg, उसमें से मैंने 200 ग्राम चिकन जो है बोनलेस करके काट के निकाल लिया है। ये हो गया 200 ग्राम बोनलेस चिकन। ये मैंने लिया है सुहाना का बटर चिकन मसाला मिक्स, और ये बटर चिकन है तो ये मैंने लिया है ये बटर, और ये है टमाटर, इसको प्यूरी बनाएंगे, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने लिया है देसी किचन का जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये जो मसाला मिक्स है ये रेडी टू मेक है। तो इसमें क्या करना है कि देखिए लिखा ही है कि जस्ट ऐड टमाटो और चिकन इसमें डालना है बस। तो टमाटो मैंने मंगवा ही लिया है और चिकन भी लेकिन ले ही लिया है। तो इसको कैसे बनाना है मैं इसमें पहले मेथड पढ़ देती हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए ये पैकेट, ये है सुहाना का बटर चिकन मिक्स, और इसका जो प्राइस है ये है, ये 50 ग्राम के पैकेट है, और इसका प्राइस है कहाँ लिखा है, प्राइस देखिए है 45 रुपीज़ का है ये। और इसमें यहाँ पर चिकन का विधि लिखा हुआ है बनाने का बटर चिकन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 200 ग्राम बोनलेस चिकन को 1 inch टुकड़े में काट लेना है। तो ये मैं काट लिया। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, मैं ये ले लूँगी इसमें से। 4 चम्मच लेना है बटर, 2 टमाटर की प्यूरी, 200 ml दूध, सॉरी 100 ml दूध, आधा कप दूध, और एक कप पानी। तो सबसे पहले मैंने पैन गरम कर लिया है, उसमें मैं डाल दे रही हूँ 4 चम्मच बटर। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह में, लेकिन बनाते बनाते हो गया है दोपहर का वक्त। ये देखिए बटर में मैंने डाल दिया है चिकन, अब इसको इसमें 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन की चटनी मिक्स कर दे रही हूँ, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, साथ ही में मिक्स करना चाहिए था तो मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था। तो इसको मैंने अब इसमें अदरक लहसुन की चटनी भी मिक्स कर दी है। अब इसको 15 मिनट तक मैं पकाऊँगी। अब मैं दूध ले रही हूँ 100 ml, एक कटोरी दूध ले लेती हूँ इसमें, और ये बटर चिकन मसाला जो है इसके अंदर पूरा पैकेट 50 ml का है, ये मैं पूरा डाल दे रही हूँ। और डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका सारा लम्स ख़त्म हो जाए, स्मूथ हो जाइए, ऐसा स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेना है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है, तेल गरम हो गया है, अब इसमें टमाटर प्यूरी मिक्स डाल देंगे। ये जो रेडीमेड मसाले होते हैं उसमें लिखा तो होता है कि सूप जल्दी बन जाता है, लेकिन पता है मुझे सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी है इसका सारा प्रिपरेशन करने में। तो इसमें से टमाटर प्यूरी जो है तेल छोड़ दिया इसके अंदर से। तो अब मैं इसमें जो है ये मसाला मिक्स मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ, ये थोड़ा सलम से रही है नीचे। अब इस मसाला मिक्स को मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट तक इसको उबाल आने तक पकाना है। अब इसके मेथड के अनुसार इसको 2-3 मिनट तक भून लेना है, जो कि ये भून चुका। अब इसमें ये जो चिकन था बटर पे फ्राई किया हुआ इसके अंदर मिक्स कर देना है, और इसमें 1 कटोरी पानी डाल देना है। अब इस मिश्रण को गाढ़ा होने के लिए 2-3 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद क्रीम से इसको सजा के सर्व करना है। तो ये था सुहाना चिकन मिक्स रेसिपी। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।